सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। टाटा टियागो एक ऐसी गाड़ी जिसको जितने लोग पसंद भी करते हैं उतने लोग शायद नफरत भी करते हैं। हालांकि ये नफरत वार्ड कहना सही नहीं होगा, काफी ज्यादा लोग टाटा टियागो को खरीदने से डरते भी हैं। हालांकि इस गाड़ी को सही में खरीदना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, चलिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई के ऊपर बात करती है, क्या है सही टाटा टियागो के बारे में और क्या है गलत। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर ले टाटा टियागो की प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस रेंज पेट्रोल में शुरू होते ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से 4.66 लाख से लेकर 6.5 लाख तक जाती है। इसकी डीजल की प्राइस रेंज शुरू होती है 5.42 लाख से लेकर 6.95 लाख तक ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। हालांकि इस प्राइस रेंज यानी कि ये सबसे कम बजट वाली यानी कि एंट्री लेवल की गाड़ियों की प्राइस रेंज है हैचबैक सेगमेंट में। अगर बात करें गाड़ियों की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में यानी कि गाड़ी की क्यों खरीदना चाहिए, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है गाड़ी के लुक्स। गाड़ी के लुक्स की अगर बात करें, गाड़ी के लुक्स काफ़ी डिसेंट है, दिखने में भी उतना तो स्टाइलिश नहीं कहूँगा लेकिन इस सेगमेंट में भी काफ़ी बेहतरीन दिखता है ये गाड़ी। उसके साथ साथ गाड़ी की 14 इंच एलॉय व्हील्स गाड़ी की खूबसूरती को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। गाड़ी की इंटीरियर के लुक्स की बात करें, इंटीरियर के लुक्स डुअल टोन इंटीरियर है, काफ़ी बेहतरीन लगता है और इंटीरियर की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें आपको अच्छा खासा हेडरूम लेग रूम आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ गाड़ी में आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि इस सेगमेंट में बेहतरीन तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी डिसेंट है। गाड़ी में आपको दो तरह की इंजन मिलता है, एक पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आ जाता है जो कि 84 bhp के साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। हालांकि इसे मैं बेहतरीन तो नहीं कहूंगा लेकिन इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर ये आपको जनरेट करके देती है। अपने सेगमेंट में ये 1.2 लीटर इंजन है, हालांकि अपने सेगमेंट में 1 लीटर इंजन वाला कई सारे गाड़ियां हैं और मारुति की 1.2 लीटर इंजन वाले गाड़ियों के साथ भी ये सीधे सीधे कम्पीट भी कर सकती है अपने की ऊपर सेगमेंट के गाड़ियों के साथ भी। इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक यानी AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद आती है 1 लीटर डीजल इंजन जो कि 69 bhp के साथ 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है। हालांकि अपने सेगमेंट में बेहतरीन तो नहीं बोलूंगा लेकिन 1 लीटर डीजल इंजन अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन भी है। हालांकि कई गाड़ियों में डीजल इंजन भी अवेलेबल नहीं है इस सेगमेंट में। अगर बात करें गाड़ी के माइलेज के बारे में, माइलेज की बात करें इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन माइलेज भी ये दे देती है। पेट्रोल में 23.84 kmpl का माइलेज और डीजल में 27.28 kmpl का माइलेज जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन है। गाड़ी अपने सिटी के लिए और लॉन्ग ड्राइव के लिए भी काफ़ी सही गाड़ी है, कोई आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। सेफ्टी की बात करें, यहाँ पे ऑप्शनल पे 2 एयरबैग ABS EBD आपको मिल जाता है। फीचर्स की बात करें, इस सेगमेंट में काफ़ी सारा फीचर्स ये गाड़ी में दिया गया है जैसे कि टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पार्किंग सेंसर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs, फॉलो मी होम हेडलैम्प, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि बड़ी गाड़ियों में यानी कि 10 लाख के ऊपर की गाड़ियों में आता है। यहाँ पे हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है 4 और 8 स्पीकर के साथ। यहाँ पे आपको USB ऑक्स ब्लूटूथ मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी मिलता है और इसमें नेविगेशन भी आपको मिल जाता है। हालांकि कोई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है।
इस बजट के हिसाब से इस गाड़ी में जो जो फीचर्स आपको मिलता है, इस सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स के साथ कोई गाड़ी नहीं मिलता है इस बजट रेंज में। इसके ऊपर की बजट रेंज में आपको मिल जाता है, लेकिन इस बजट के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स, सारे फीचर्स कंबाइंड में नहीं मिलता है। गाड़ी में कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो कि लोग कंप्लेन करते हैं। इसमें पहला कंप्लेन आता है कि ये इसकी इंजन 3 सिलेंडर वाली इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर वाली इंजन से काफ़ी ख़राब होता है। लोगों का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसकी इंजन काफ़ी नॉइजी इंजन है, कैबिन के अंदर नॉइज़ आता है। ये थोड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करता है गियर नॉब के ऊपर, आपको स्टेयरिंग में थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट फील होता है, और ये वाइब्रेशन थोड़े पुराने गाड़ी होने के बाद थोड़ा बढ़ भी जाता है। सेफ्टी की ये स्टैंडर्ड में सेफ्टी आपको नहीं मिलता है, सेफ्टी सारे आपको ऑप्शनल में मिलता है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये टाटा की गाड़ी है, ये मारुति सुजुकी की, होंडा की होंडा की गाड़ी नहीं है। ये भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और टाटा की सर्विस नेटवर्क भी उतना बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है टाटा, और टाटा की सर्विस भी आपको उतना अच्छा अभी नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ जगहों पे काफ़ी बेहतरीन मिलने लगा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आज भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके ऊपर टाटा काम कर रहा है। लेकिन हम ये पकड़ के बैठ गए, यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, कई के लोग तो गाड़ी को वाइब्रेशन मशीन भी बोल दिए हैं। भाई 4.5 से लेकर 5 लाख 6 लाख के अंदर ऑन रोड में कोई अगर गाड़ी आप लेते हैं, तो आपको क्या इतने सारे फीचर्स मिलते हैं? टाटा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गाड़ी की माइलेज भी बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी भी बेहतरीन है। आप यूट्यूब में कई सारे एक्सीडेंट की वीडियोस भी देख लीजिए, कई सारे लोग, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस सेगमेंट सबसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन कई सारे लोग तारीफ कर रहे हैं टाटा की, जबकि मारुति सुजुकी की तारीफ नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, आपको पता ही होगा। बेहतरीन माइलेज, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट पावर, लॉट्स ऑफ फीचर, काफ़ी बेहतरीन बजट, उसके बाद भी लोग कंप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि ये गाड़ी टाटा की है। तो यही था मेरा राय। हालांकि टाटा की गाड़ियाँ काफ़ी बेहतरीन होते हुए जा रहा है, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग के अंदर ये डाउट भी है कि क्या मुझे टाटा की गाड़ी लेना सही रहेगा। मुझे आंसर नहीं पता, क्योंकि मैं अगर आंसर दूंगा सही रहेगा लोग फिर भी कंप्लेन करेंगे, मैं आंसर नहीं भी दूंगा फिर भी लोग कंप्लेन करेंगे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये गाड़ी सही है या नहीं। पूरे वीडियो में मैं आंसर दे चुका हूँ, आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बे सेफ, बाय बाय।